नमस्ते, इंडिया देखो आरएमएस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नया वीडियो लेके। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे विद्यासागर सेतु के बारे में, जिसको विद्यासागर का दूसरा नाम दूसरा हावड़ा ब्रिज भी कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर इंडिया देखो आरएमएस यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मार्केट रिव्यू एंड ट्रैवल्स रिलेटिव वीडियो लाते ही रहते हैं। और आपको दुर्गा पूजा से शुरू करके इंडिया का हर एक जगह हम घुमाने का कोशिश करेंगे। तो इंडिया देखो आरएमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विद्यासागर सेतु को दूसरा हावड़ा पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये सेतु हुगली नदी पर बना हुआ है और कलकत्ता से हावड़ा को जोड़ता है। भारत में बने सभी सेतुओं में से ये सबसे लंबी है। इसके साथ ही ये एशिया का सबसे लंबे सेतुओं में गिना जाता है। 10 अक्टूबर 1992 में ₹3,388 करोड़ की लागत के साथ विद्यासागर सेतु का निर्माण किया गया। बंगाली समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर इस सेतु का नाम रखा गया। विद्यासागर सेतु के दोनों ओर नदी और हावड़ा पुल और विवेकानंद सेतु के दो अन्य सेतु और भी हैं। विद्यासागर सेतु के दोनों ओर नदी पर हावड़ा पुल और विवेकानंद तो सेतु है, और बगल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये सेतु बता दे, इस सेतु में जो भी जान वाहन चलता है उसको टोल टैक्स देना पड़ता है, यानी इस सेतु के ऊपर से चलने वाला हर एक गाड़ी को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि टोल टैक्स लगता है। विद्यासागर सेतु आधुनिक बांध निर्माण कला का एक बेहतरीन नमूना है। विद्यासागर सेतु देखने में इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत नज़ारे दिखाई देता है। अगर आप कलकत्ता आते हैं तो एक बार विद्यासागर सेतु जरूर आइए, आपको उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कम खर्चा में विद्यासागर देखना चाहें, विद्यासागर सेतु देखना चाहें, तो आप विक्टोरिया के पास से कोई बस पकड़िए और विद्यासागर सेतु पार कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिस टाइम हम वीडियो बना रहे उस टाइम के बाद बोल रहे 10 रुपया किराया लगता है, यानी आप कलकत्ता से हावड़ा आने के लिए विद्यासागर सेतु के ऊपर से आने के लिए 10 रुपये खर्चा करने पड़ेंगे, फिर दोबारा जाने के लिए 10 रुपये खर्चा करना पड़ेंगे, यानी 20 रुपये में आपको विद्यासागर सेतु अच्छा सा आप देख सकते हैं। इसको दूसरा हावड़ा ब्रिज हुगली ब्रिज भी बोला जाता है। तो विद्यासागर सेतु जहाँ ख़त्म होता है वहाँ ही नवान्न शुरू होता है। तो सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा यह है नवान्न। तो आपसे गुजारिश है, अगर इंडिया देखो आरएमएस यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल्स एंड मार्केट रिव्यू के बारे में वीडियो लाते ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। यही ये टोल टैक्स का है, यहाँ से जब बस कोई भी छोटा छोटा गाड़ियाँ गुजरता है तो उसको टोल टैक्स भरना पड़ता है, यानी किराया देना पड़ता है इस बीच ब्रिज पार करने के लिए। इसमें बड़ा से छोटा हर एक गाड़ी चलता है, बाइक भी चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।